नीमच शहर की सबसे पुरानी समस्या बंगला बगीचा समस्या के स्थायी समाधान को लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति के बैनर तले बंगला बगीचा वासियों ने कमर कस ली है और वह लगातार बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियम में बदलाव की मांग करते हुए आंदोलनरत है। इस आंदोलन में बंगला बगीचा क्षेत्र के रहवासी बड़ी संख्या में शामिल है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी कलेक्टर प्रभारी मंत्री से मुलाकात करने के पश्चात भी बंगला बगीचा वासियों को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, जिसको लेकर बंगला बगीचा संघर्ष समिति सदस्यों ने यह निर्णय दिया है कि संपूर्ण बंगला बगीचा क्षेत्र जहां पर आम नागरिक निवास कर रहे हैं वहां घर घर जाकर समाधान नहीं तो बोर्ड नहीं के फ्लैक्स बैनर और पोस्टर लगाए जाएंगे और आगामी निकाय चुनाव का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। बंगला बगीचा संघर्ष समिति के सदस्य अमित शर्मा एडवोकेट ने बताया कि आजादी के बाद से ही बंगला बगीचा वासी अपनी समस्या को लेकर कई बार नेताओं के पास गए, यहाँ तक कि हर चुनाव मुख्यमंत्री विधानसभा लोकसभा एवं स्थानीय निकाय चुनाव के उम्मीदवारों तक ने बंगला बगीचा समस्या के त्वरित एवं जनहित में समाधान का वादा किया, परंतु व्यवस्थापन के लिए जो नियम बनाए गए हैं वह नियम अत्यंत जटिल एवं जन विरोधी है, जिसमें कई व्यवहारिक एवं कानूनी कठिनाई आ रही है, परंतु हमारे जनप्रतिनिधि उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण बंगला बगीचा क्षेत्र की जनता को सड़क पर उतर आंदोलन करना पड़ रहा है। इसी तारतम्य में आज से बंगला बगीचा वासी घर घर समाधान नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगा रहे हैं और आने वाले चुनाव में चुनाव का सार्वजनिक रूप से बहिष्कार करेंगे। जिस प्रकार से बंगला बगीचा वासियों को हमारे जनप्रतिनिधियों ने बरसों से बेवकूफ़ बनाया है, मूर्ख बनाया है, उसके विरोध स्वरूप हम जो है हर बंगले में, हर बगीचे, हर खेत जहां आम नागरिक रह रहे हैं वहां पर हम बोर्ड टांगेंगे और बोर्ड टांगकर इनका विरोध करेंगे कि यदि बंगला बगीचा जो व्यवस्थापन नियम है उसमें संशोधन नहीं होता है जनहित में, तो इनके विरुद्ध जो है हम जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए हर बंगले में ये लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जब तक यदि इस समस्या का समाधान नहीं होता तो आप सार्वजनिक रूप से जो है चुनाव का बहिष्कार करें, वोट नहीं देने जाएं, क्योंकि हम बरसों से वोट दे रहे हैं परंतु आज तक हमारी समस्या का समाधान नहीं निकला है। मुख्यमंत्री भी कई बार आए हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, कई नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी, परंतु कोई हमारी मांग जो है शासन के सामने नहीं रखता, सरकार के सामने नहीं रखता है। बंगला बगीचे वासियों को इन लोगों ने एक तरीके से अनाज छोड़ दिया है, तो ये हमारा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो है एक प्रदर्शन है। यदि वो आएंगे तो हम उनको हमारे बंगलों में से, हमारे बगीचों में से, हमारे घरों के आगे से उनको बेरंग लौटाएंगे और उनको हम ये अभी से संदेश दे रहे हैं कि यदि हमारा समाधान नहीं हुआ तो हम बंगला बगीचा वासी जो हैं खेतवासी कोई वोट देने नहीं जाएगा। नगर पालिका द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसका अभी तक कोई खंडन नहीं आया है, भले आश्वासन दिया गया हमको, CMO द्वारा भी दिया गया, कलेक्टर महोदय द्वारा भी दिया गया, उसके अलावा जो है हम प्रभारी मंत्री से मिले थे उनने भी हमको आश्वासन दिया है, आश्वासन हम 70 सालों से सुन रहे हैं, तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। और यदि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि लोक परिसर बेदखली की कार्रवाई होती है तो बुलडोजर हमारे ऊपर से चलेगा, उसके बाद हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने देंगे, पहले हमारे ऊपर बुलडोजर चलेगा, हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, उसके बाद आगे उनकी कार्रवाई बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ MP।